हे एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम गाइस कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक क्रैकल साउंड ये जो तीन चीज़ें हैं फर्स्ट वन इज़ क्रैकल एंड सेकेंड वन इज़ स्पार्क ठीक है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है स्पार्क एंड नेक्स्ट वन इज़ लाइटनिंग ओके सो अब ये जो तीन चीज़ें हैं जैसे सपोज़ आप कोई सिंथेटिक शर्ट है या स्वेटर है उसे ड्राई वेदर में जब टेक ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक क्रैकल साउंड सुनाई देता है या फिर आ, हमें एक स्पार्क दिखता है ठीक है और या फिर इसके अलावा जैसे लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग थंडर स्टॉम तो उस टाइम पर ना कुछ फिनोमिनाज होते हैं साइंटिफिकली फिनमिनाज हैं ये तो ये क्यों होते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है अगर आप आ, में से कुछ ने ये चीज़ नोटिस करी है या ऑब्ज़र्व करी कि ऐसा क्यों होता है और आप ये जानना चाहते हैं तो ये जो आ, क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है प्लस अगर ऐसा कोई डाउट किसी के दिमाग में आप में से नहीं आता या जिसको ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सो तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो लेट स्टार्ट आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आज हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड Charges and fields take care. Uh next one is electrostatic potential and capacitance. Okay. आज हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स करेंगे जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एन के अकॉर्डिंग ये हमारे दो चैप्टर्स हैं सेपरेट सेपरेट है ये फर्स्ट चैप्टर है और ये सेकेंड चैप्टर है लेकिन ये यूनिट वन जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है ये फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर ये दो चैप्टर्स आते हैं अब बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग मिले हो सकता है कि कई जगह पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक वर्ड कंबाइन होता है और इसके अंदर दो चैप्टर्स की थ्योरी मिक्सड होती है ठीक है सो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा ये, ये दो चैप्टर्स हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सो जो मैंने अभी तक आपसे जो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करे दो तीन क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया कि लाइटनिंग हो रही है ड्यूरिंग थंडर या फिर सिंथेटिक शर्ट या स्वेटर को जब टेक ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्रैकल साउंड सुनाई दिया तो ये जो फिन है ये हमारे इसी चैप्टर की थ्योरी है अब आपके पास दो वर्ड्स आते हैं एक है इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओके अब एज यू कैन सी हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ठीक है सो ये दो टॉप दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने अभी आपको कुछ फिनमिनाज डिस्कस करे सो so, वो किसकी वजह से होते हैं जब हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है ठीक है या फिर जब रबिंग होती है किसी इंसुलेटिंग बॉडी पे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है सॉरी एक इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस uh, होते हैं उसके अलावा एक टर्म आती है आपके पास स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी नाउ वॉट इज मीन बाय स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज जो फिक्स है ठीक है और अपनी जगह में मूवमेंट नहीं होती ठीक है डजेंट मूव अब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है अपनी जगह पे फिक्सड है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है स्टैटिक ठीक है तो ये दो कंसेप्ट हैं जो हमारे इसी टॉपिक पे उस जो फिन हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो जो अभी जो जो दो चैप्टर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो वो दो चैप्टर्स में हम इन दो टॉपिक्स को बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं नाउ अब चैप्टर की एक्चुअल स्टार्टिंग होती है ठीक है चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है प्लस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्या है ये चीज़ें क्लियर कर दूँ क्योंकि साइंस जो है ना आप साइंस में चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं चाहे बायो पढ़ रहे हैं ये सब कुछ इमेजिनेशन पे है अगर आप किसी चीज़ पे कोई वर्ड आपको पर्टिकुलर कोई वर्ड दे रखा है कोई टॉपिक है आपका ठीक है अगर आप उस पर सोच नहीं पा रहे हैं इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से नहीं कर सकता नाउ जो वर्ड मैंने लिखा था इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अब ये जो वर्ड है ये हमारा दो पार्ट से मिलके बना है फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इलेक्ट्रो वर्ड है ये से तो हम फेमिलियर हैं बहुत बार सुना है दिमाग में सीधा दिमाग में आता है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बात हो रही है और स्टेटिक वर्ड जो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया अब इसमें हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं ओके okay. ना इसके अलावा फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कुछ फोर्सेस की स्टडी करते हैं और स्टैटिक का मतलब क्या होता है जो मूव नहीं कर सकता ठीक है इन शॉर्ट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आप इसमें लिख सकते हैं इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट जो मेन है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ ऑफ चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इसे आप इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसकी एक बुक में और डेफिनेशन दे रखी है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ और आप चाहें तो उसको भी आप लर्न कर सकते हैं अदरवाइज इम्पॉर्टेंट नहीं है सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रो स्टेटिक्स जितना मुझे लग रहा था उससे ज्यादा खराब राइटिंग आ रही है मेरी बट प्लीज थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है डील्स विद द स्टडी ऑफ फ़ोर्सेस फील्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट ये तो इस शॉर्ट में मैंने बता दिया अगर इसको डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज फोर्सेस कॉमा फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस यहाँ पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं ये कहाँ पे ये एप्लीकेशन अप्लाई होती हैं आई मीन ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहाँ आपको देखने को मिल सकता है तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्लाई एश कलेक्शन इन चिमनीस ठीक है चिमनी जो किचन में लगी हुई होती है ठीक है यहाँ वाली जो uh, मतलब इन एरियाज में टाउन सिटीज़ में जो uh, चिमनी होती है उसमें तो नहीं इतना देखने को मिल सकता लेकिन गांव साइड में अगर कोई आप बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा ऐसे बड़ी सी वो लगी हुई हो होती है ठीक है ऊपर का एरिया ऐसे यहाँ साइड साइड में जगह होती है इसको कवर कर दिया जाता है और नीचे जो किचन से धुआं निकल रहा होता है बेसिकली uh, वहाँ पे लकड़ियों को जला के काम किया जाता है जैसे खाना कुकिंग वगैरह जो होती है ना वो लकड़ियों को जला के की जाती है तो यहाँ पे ऐसे धुआं धुआं जा रहा होता है वो तो ये साइड में से निकलता है तो आप उसमें देखेंगे कि ये पुराना एरिया ब्लैक हो जाता है तो जो राख है जो धुआँ uh, और राख जो है ना वो उड़ के वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर चिमनीज़ में ठीक है नाउ सेकेंड वन इज़ जेराक्स कॉपी मशीन जो जेराक्स कॉपी मशीन है उसमें भी ये एप्लीकेशन बेस्ड है इसके अलावा थर्ड है इन डिज़ाइनिंग ऑफ कैथोड रेड ट्यूब्स यूज इन टीवी एंड रेडार तो ये था हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक्स प्लस उसकी कुछ एप्लीकेशंस इसके बाद में एज आई टोल्ड यू इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिट तो अभी हम पहले चैप्टर ये कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड तो मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बाद में इस चैप्टर की और ज्यादा इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे आप चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं नहीं तो लिख लीजिए लिखना वेल एंड गुड है क्योंकि जितनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा अच्छी आपकी स्पीड रहेगी ओके नाउ वट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहली चीज आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है सो so, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है ये है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की ठीक है? कौन से होते हैं? Like electron है और proton है. ये इलेक्ट्रिकॉप हैोटोन यहां एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज है ऑफ मैटर विच गिव्स राइस टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स सॉरी ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंटर्नसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज uh, के बारे में है इसको डिफाइन करते हैं फर्स्ट वन इज़ इट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन ठीक है ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है इसलिए ये एक स्केलर क्वान्टिटी है सेकेंड वन इज एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम्स इसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलम्स है नेक्स्ट वन इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है और इसकी जो वैल्यू है वो है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इसके अलावा इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कोलम ओके ये आपके पास कुछ पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस पे आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है इसके बाद में अब हमारे पास दो तरीके हैं ये बताने के जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है प्रोटोन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस आ रहे हैं एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है तो ये चीज़ को एक्सप्लेन करने की एक नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो आपको एन में दो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन दो एक्सपेरिमेंट्स से आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कैसे होता है पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है और उसके अलावा दो और चीज़ें जो आपको समझ आने वाली है इस वक्त जैसे देखिए कमेंट करिएगा कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आप now, uh, दो एक्सपेरिमेंट्स आपको गिवन है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड हेर इज अ सेकेंड एक्सपेरिमेंट ठीक है ये दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने के बाद में दो नई टर्म्स आपके दिमाग में आने वाली हैं क्या दिमाग में क्या आएंगी बट हाँ आपको सीखने को मिलेंगी फर्स्ट वन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओके नेक्स्ट वन इज सेकेंड जो आपको चीज मिलेगी इसमें वो है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस पोलैरिटी ऑफ चार्जेस ठीक है तो चार्जेस जो हैं हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इन दो एक्सपेरिमेंट्स के बाद में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवे ना आप में से बहुतों को समझ में आ गए होंगे और कुछ को नहीं समझ में आ गए तो उनके लिए मैं हूँ यहाँ पे और ये चीज उनको मैं समझाने वाली हूँ आज ठीक है सो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है देखिए यहाँ पे ये आपकी ये एक रिजिक्ट सपोर्ट है इसका मतलब कि ये फिक्स है इसके मैंने एक सिल्क रॉड है और ये जो आपको गिवन है ये एक ग्लास रॉड है ठीक है हर चीज़ को मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग में समझ में ना भी आए हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं समझ में आए आपको Hmm. ठीक है ये हमारे पास इसमें एक्सपेरिमेंट में, में देखिए Uh, ये आपको एक सिल्क थ्रेड दे रखा है जिससे मैंने एक ग्लास रॉड को अटैच किया हुआ है ये जो ग्लास रॉड है इसे मैंने सिल्क से रब किया पहले और उस सिल्क क्लोथ से रब किया और उसके बाद में इसे सिल्क थ्रेड से यहाँ पे बांध के लटका दिया है तो इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है अब इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तीन स्टेजेस हैं या केसेस कह सकते हैं ये आपका फर्स्ट केस है ये सेकेंड है और यहाँ पर अभी थर्ड आएगा ओके okay? तो इन तीनों केसेस में देखिए फर्स्ट केस में क्या है ये आपको सिल्क uh, थ्रेड से एक ग्लास रॉड है जिसको मैंने अटैच किया हुआ है जो सिल्क क्लोथ से रब की हुई है इस पर पॉजिटिव चार्ज है फिर जब इसके कांटेक्ट में सेम चार्ज सेम चार्ज ग्लास ट्यूब जब लेकर आते हैं मतलब कि ये पॉजिटिव है अब जो सेम पॉजिटिव ही अगर हम यहाँ पे लेकर आते हैं सो व्हाट वी कैन सी यहां पे रिपल्शन होता है ओके रिपल्शन सेकंड केस क्या है एक सिल्क थ्रेड दे रखी है आपको सेम ग्लास रॉड है जिसको सिल्क क्लोथ uh, से रब किया और उसके बाद में हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है फिर हम इसके पास में एक प्लास्टिक रॉड लेकर आते हैं जो कि इस प्लास्टिक रॉड को हमने वूल या फर से रब किया और उसके बाद में हम यहाँ पर लाते हैं तो इसमें जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है सो so, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ठीक है सो यहाँ पे जो ये है इसमें क्या होगा अट्रैक्शन नाउ थर्ड वन इज थर्ड केस में क्या है यहाँ पे ऐसे ही सिल्क थ्रेड है लेकिन उसके साथ में हम क्या लेकर आ रहे हैं यहां पे प्लास्टिक की जो रॉड है ठीक है इसको रब किया है वूल से या फर से इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसके कांटेक्ट में भी हम अगेन सेम प्लास्टिक ही लेकर आ रहे हैं ठीक है वही प्लास्टिक की रॉड जो सेम चार्ज जो इस पर नेगेटिव यहाँ पे जो लास्ट में जो नेगेटिव चार्ज है ये इसमें आप नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट्स में यहाँ पे जो ट्यूब साइन में दोनों में नेगेटिव चार्ज है सो so, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो है ना इसमें रिपल्शन हो रहा है ओके okay. सो so, ये हमारे पास तीन केसेस हैं फर्स्ट केस है जिसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो जब दोनों पॉजिटिव हैं सेम चार्जेस हैं तो उस टाइम पे क्या होता है रिपल्शन होता है सेकंड केस में आप क्या देख रहे हैं यहां पे पॉजिटिव है ये जो ग्लास रॉड है सेकंड जो हम प्लास्टिक की जो लेकर आए हैं ये नेगेटिव चार्ज है इसको हमने वूलिया फर से रब किया हुआ है अब यहां पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो गया अट्रैक्ट क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हो गए थर्ड केस में क्या है दोनों रॉड जो हैं वो नेगेटिव हैं ये थोड़ा डायग्राम बिगड़ गया है बट ये दोनों नेगेटिव हैं अब यहाँ पे नेगेटिव

ऐसे बॉल्स दो बॉल दे लिए हमने ठीक है इन दो बॉल्स को सबसे पहले तो पॉलीस्टाइरीन बॉल क्या होता है ये एक टाइप होता है प्लास्टिक का जो कि ईजिली रिसाइकलेबल नहीं होता है और सेकेंड इसका जो यूज़ होता है पॉलीस्टाइरीन का जो यूज़ हम करते हैं वो जो पैक्ड योगर्ट होता है उसकी पैकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है बहुत ही लाइट वेट होता है इसके अलावा आप इसको इसके बारे में इन डिटेल में आपको केमिस्ट्री में पता चलेगा जब आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अभी फिजिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने दो बॉल्स ली हैं यहाँ पे और इसको भी सेम जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था ऐसे ही यहाँ पर आपने एक फ़िक्स तो, सपोर्ट ये एक रिजिक्ट सपोर्ट है रिजिक्ट का मतलब होता है जो फ़िक्स होता है जिसकी आ, आ, जिसमें मूवमेंट जल्दी से ना हो अपने आप ठीक है तो ये रिजिक्ड है अब इसमें हमने क्या किया दो सिल्क थ्रेड लिए हैं और इन दोनों बॉल्स को टाई अप कर दिया है एक एंड दोनों बॉल सिमिलर्स हैं अभी तक दोनों बॉल सिमिलर हैं फिर क्या करते हैं एक ग्लास रॉड लेते हैं जो कि सिल्क से रब की हुई है ठीक है ये ग्लास रॉड है जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने एक ग्लास रॉड ली थी सिल्क से रब करके सेम ऐसी सिचुएशन है हमारे पास यहाँ पे हमने एक ग्लास रॉड ली जिसको सिल्क आ, सिल्क रॉड से रब किया उसके बाद में जब हम इसको बॉल से टच करवाते हैं तो दोनों बॉल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये जो दोनों बॉल्स है यहाँ पे जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है फर्स्ट केस में वो ये है कि ये बॉल्स एक ही सिल्क थ्रेड से वाउंड अप है एक ही उसे टाई अप किया हुआ है इनको एक एंड पे ये वाली बॉल है एक सेकंड एंड uh, पे सेकंड बॉल है तो दोनों बॉल्स पे जो चार्जेस हैं वो कौन से हैं पॉजिटिव चार्ज हैं अब सेकंड केस में क्या होता है यही सेम सिचुएशन है हमारे पास इसको फिक्स सपोर्ट से सॉरी इसको फिक्स सपोर्ट से किया दो सिल्क थ्रेड है आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे दो बॉल्स ये दोनों बॉल्स पे भी अभी कोई चार्ज नहीं है फिर हम जैसे यहाँ पे हमने ग्लास रॉड का यूज़ किया है ऐसे ही यहाँ पे हम प्लास्टिक रॉड लेंगे इस पे हमारे पास इससे हमने वूल या फर से रब किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है अब जो इस पे नेगेटिव चार्ज आया है इसे इन दोनों बॉल्स के कॉन्टेक्ट में लेकर आए तो यहाँ पे जो बॉल्स पे जो चार्ज आया है यहाँ जो बॉल्स हैं इस इसपे जो चार्ज है वो कौन सा हो गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये प्लास्टिक है ठीक है और ये नेगेटिवली चार्ज है मेटल जो चीज करती है ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास ट्यूब है ये प्लास्टिक रॉड है जो कि नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है तो यहाँ पे चार्ज हो गया वो कौन सा हो गया नेगेटिव तो इन दोनों को केसेस में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पे हमने इन दोनों बॉल्स को ये जो दो बॉल्स हमें दे रखे हैं इन दोनों बॉल्स को हमने सेम थ्रेड से टाई अप किया हुआ है तो इसमें दोनों में पॉजिटिव चार्ज है इसमें दोनों में नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो जो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव नेगेटिव है अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई अब थर्ड केस में देखिए हमारे पास क्या चीज है ये जो थर्ड केस है इसमें ऐसे बॉल है सेम वही बट इसमें जो चेंजेस आएंगे वो क्या है यहाँ पे दो सिचुएशन बनती हैं एक तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक बॉल यहां से ले ली एक बॉल आप यहां से ले रहे हैं ठीक है आपने दो बॉल्स ले ली यहां पे एक जो बॉल है वो ग्लास रॉड के कांटेक्ट में आई हुई थी तो वो पॉजिटिव है सेकंड जो है वो प्लास्टिक रॉड जिसको हमने वुल से रब किया था उसके कांटेक्ट में आई थी वूल के सॉरी प्लास्टिक रॉड के तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस और माइनस है सिचुएशन ये भी हो सकती है सेकंड आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज आपके पास यहाँ पे ये गिवन है नेगेटिव और दो बॉल्स गिवन है आपके पास और एक बॉल को आप जो ग्लास रॉड है इसके कांटेक्ट में लाते हैं और जो सेकंड बॉल है इसे आप जो प्लास्टिक रॉड है उसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है अब इसमें भी आपके पास तीन सिचुएशंस आती हैं फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव चार्ज है सेकेंड में दोनों नेगेटिव चार्जर थर्ड में दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है सो so, अभी जो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें आप क्या देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वो ये कि जब जब दोनों सेम चार्जेस हैं लाइक दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो उस टाइम पर जब दोनों सेम चार्जेस हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो रिपल्शन है सेकेंड पे अगर एक ऑपोजिट चार्ज है एक नेगेटिव मतलब दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं लाइक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उस टाइम पे जो प्रोसेस हो रहा है वो है अट्रैक्शन ये आपके पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं अब इससे आपको जो चीज़ पता चली कि लाइक चार्जेस जो हैं वेट मैं इसे रब करके फिर लिख देती हूँ ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स से अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आपको दो कंक्लूजन्स मिले हैं फर्स्ट है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एक है पॉजिटिव और सेकेंड है नेगेटिव ओके okay? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है सेकेंड जो हमें मिला वो ये लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ओके okay? यहाँ पे दो दो कंक्लूजन है दो रिजल्ट बोल सकते हैं फर्स्ट है टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हमें मिले एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और सेकंड जो है यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो ये जो दो कंक्लूजन है इन दोनों कंक्लूजन्स को ही हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपसे पूछा जाए वॉट यू मीन बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपको लिखना है एक्सप्लेन करना है कुछ भी करना है तो अब आई थिंक इसके बाद में आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये क्या होता है ये जब दो लॉ दो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जो मैंने दो एक्सपेरिमेंट्स आपको करवाए उससे जो हमारे पास ये कंक्लूजन आया है ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें आप ये दो पॉइंट्स लिख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं एंड सेकेंड वन इज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं इसके बाद में बोर्ड पे मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं अब एक तो समझ आ गई होगी अब सेकंड पे बात करते हैं ठीक है ये पोलैरिटी ऑफ चार्जेस फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये दो पॉइंट्स को कंक्लूड करना है अब नेक्स्ट वन इज पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या होता है तो इसमें अब आप सोचेंगे कुछ अलग सी थ्योरी देने वाली हूं मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है जो अभी हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कम से कम आपको लर्न रखना पड़ेगा ठीक है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस में क्या होता है जैसे अभी मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट्स करवाए तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी अभी ध्यान हो जो बॉल वाला एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया जैसे ये ये थ्रेड है ठीक है सिल्क थ्रेड है इससे मैंने बॉल्स को टाइप किया होता तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो बॉल्स हैं इन पर कोई चार्ज नहीं है हम इसके कॉन्टैक्ट में एक बार ग्लास रॉड लेकर आते हैं ठीक है जो पॉजिटिवली चार्ज है एक बार हम प्लास्टिक रॉड लेकर आते हैं जो ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया हुआ है और जो प्लास्टिक रॉड है उसे हमने वूल या फिर फर कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए उससे रब किया हुआ है तो जब हम इस इन दोनों बॉल्स के कांटेक्ट में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लाते हैं तो वही सेम चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर होता है सो so, इसमें आपने क्या चीज़ देखी कि इन दोनों बॉल्स में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो बाय कांटेक्ट हुआ बाय कांटेक्ट मतलब कि जब ग्लास रॉड या फिर प्लास्टिक रॉड को इनके कांटेक्ट में लेकर आए तो जो चार्ज उनमें था वो चार्ज इसके अंदर चला गया पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ठीक है सो जब बाय कॉन्टैक्ट ऐसा हुआ इस ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस इसके बाद में अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके बाद में वो आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ओके अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब इस टॉपिक्स में आपको मैं तीन चीज़ें बढ़ाऊँगी फर्स्ट एडिटिविटी सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं चार्जेस like अट्रैक्ट करते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया उसके अलावा भी हमारे पास तीन जो है ये मेजर बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट है एडिटिविटी सेकंड है क्वांटाइजेशन एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी चार्ज की ठीक है अब इसमें जो ये चार्जेस हैं हमारे इसकी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैं वन बाय वन एक एक को डिस्कस करूंगी फर्स्ट वन इज फर्स्ट है आपके पास एडिटिविटी एडिटिविटी ठीक है एडिटिविटी नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा कि कुछ एडिशन से रिलेटेड है तो जो ये सोच रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ है इसमें एडिटिविटी क्या होता है इसमें क्या है हमारे पास एक सिस्टम है ठीक है जैसे सपोज ये एक कोई चीज है ये एक रीजन है ठीक है यहां पे हमारे इसमें चार्जेस हैं तो जब हम एडिटिविटी करते हैं ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब यही है कि जो अंदर होंगे जो इस रीजन के अंदर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है ठीक है इसको मैं थोड़ा बुक की लैंग्वेज में बताऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा वेटा मिनट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिविटी अब इसमें क्या होता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ठीक है टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम स्टेटमेंट की जो एडिटिविटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की इसका मतलब क्या होता है किसी भी सिस्टम के अंदर का जो टोटल चार्ज है वो इंडिविजुअल सम होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का जो कि सिस्टम के अंदर होंगे ठीक है ये समझ में काम आया होगा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ जैसे अभी मैंने एक ओमिवा जैसी शेप ली थी ना कुछ ऐसा ही है यहाँ पे सपोज क्यू चार्ज है प्लस एक है माइनस क्यू फिर ये क्यू ये वन टू ये थ्री यहाँ पे हमारे पास थ्री चार्जेस गिवन है और ये इसके बाहर मैंने ये ये जो है ये सिस्टम है इसके बाहर मैंने यहाँ पे कुछ चार्जेस दे रखे हैं क्यू है और क्यू है ठीक है अब यहाँ पे क्यू और ये क्यू ठीक है ये आपको कुछ चार्जेस गिवन है अब इसमें देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा है कि ये एक रीजन है क्लोज रीजन जिसके अंदर तीन चार्जेस मैंने लोकेट करे हैं और बाहर दो चार्जेस है आपके पास में ये जो स्टेटमेंट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें आपको ये चीज़ कैसे समझनी है इसमें क्या लिखा हुआ है पहले इसको समझिए टोटल चार्ज मतलब कि जो ये सिस्टम है इसका जो भी हमें चार्जेस गिवन है ये टोटल चार्जेस ऑफ आ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस इंडिविजुअल चार्जेस मतलब क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव चार्जेस लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट्स ठीक है डिफरेंट पॉइंट्स में ये सारे आ जाते हैं हमारे पास बट इन साइड Inside द सिस्टम ये जो वर्ड है ना इनसाइड यही इंपॉर्टेंट है इसी पे फोकस करना है तो इसमें पूरे क्वेश्चन में जो इन साइड है मतलब जो सिस्टम के अंदर है तो वो क्या है ये क्लोज रीजन ये है तो इसके अंदर जो तीन चार्जेस हैं हमें ये लेने इंसानी फितरत है और वैसे भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो टफ तो लगनी अगर नहीं लगेगी ना तो हम सोच के कैसे बनाते हैं जैसे सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है ना आपको तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ये जो दो चार्जेस हैं ये भी एक्स्ट्रा में तो दे ही नहीं रखे होंगे इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा तो इसका क्या यूज है अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक चार्ज या जो हर एक पॉइंट आपको गिवन है वो यूजफुली हो कुछ एक्स्ट्रा में भी होता है माइंड से खेलने के लिए थोड़ा पजल करने के लिए तो ये जो दो चार्जेस है ना ये कुछ ऐसे ही है क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है एडिटिविटी क्या कहता है जो पॉइंट्स अंदर होते हैं उनका चार्ज ठीक है सो so, यहाँ पे जो अंदर रीजन है मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ डेफिनेशन को ठीक है अब देखिए यहां पे जो है ये पॉइंट्स हैं Q1 Q2 और Q3 और Q4 अब जो इसका जो सम होगा वो ये सारे चार्जेस हैं फर्स्ट जो इनसाइड साइड द है सिस्टम के अंदर अंदर सिर्फ उनको देखना है Q1 है एडिटिविटी है एडिटिविटी से पहले एक बार देखिए इससे पहले एडिटिविटी क्या कहता है कि जो चार्जेस हैं उनका जो सम है वो क्या होगा Q1 वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री एंड एन नंबर ऑफ चार्जेस ठीक है कहीं तक भी ये जा सकता है तो अब इसमें क्या है ये जो हमके पास फॉर्मला है इस अकॉर्डिंग आप जो टोटल चार्ज निकालेंगे वो आपको सिस्टम का निकालना है क्योंकि ये डेफिनेशन है ठीक है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो इनसाइड सिस्टम है अब यहां पे आप क्यू टोटल निकालेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप लेंगे क्यू वन ठीक है प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री ठीक है क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये चार्ज है ये नेगेटिव में दे रखा है तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे यहां पे आपका आंसर आएगा क्योंकि यहां पे Q1 और Q2 की वैल्यू नहीं दे रखी है मैं आपको एक वैल्यू लेके बताती हूं ठीक है ये एक सिस्टम है माइनस टू है फोर है सिक्स है या फिर इसको भी प्लस ही कर दो इजी हो जाएगा ठीक है ये तीन चार्जेस हैं इसके अंदर अब ये जो चार्जेस हैं कूलम्स में होते हैं ठीक है आपको क्यू टोटल निकालना है क्यू वन ये आपका क्यू वन है ये क्यू टू है और ये क्यू थ्री है ठीक है यहाँ पे जो uh, एडिटिविटी है इसमें कैसे करेंगे क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री क्यू वन में आपका टू प्लस फोर प्लस सिक्स तो ये कितना हो गया ट्वेल्व फोर टेन और टू ट्वेल्व ठीक है तो जो आपका यहाँ पे चार्ज आया वो कितना आ गया ट्वेल्व कूलम वट आई एग्जैक्टली वॉन्ट टू से आपको जो इसमें चार्जेस लेने हैं वो सिस्टम के अंदर वाले कैलकुलेट करने ये जो सर्कल है ये मैंने ड्रॉ किया है वैसे ये ऐसे ही है क्वेश्चन ठीक है तो बाहर वाले जो चार्जेस हैं वो आपको नहीं देखने हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं आपको जो फोकस करना है एडिटिविटी जो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनकी जो फर्स्ट uh, प्रॉपर्टी है वो एडिटिविटी है और वो यही कहती है इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं आप उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो इन शॉर्ट जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू इस फॉर्मूले को लिख लीजिए क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस सो ऑन ठीक है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है नाउ सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन ये थोड़ा नाम से टफ लग रही होगी क्योंकि है भी टफ नाम से टफ है ये वैसे तो टफ नहीं है फिजिक्स जो है ना वो प्रैक्टिस मांगती है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे ये आपको उतना ही इजी लगने लग जाएगा ठीक है नाउ सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ठीक है क्वांटाइजेशन से पहले एक जो वर्ड है वो समझिए क्वांटम ओके okay. देखिए सबसे पहली चीज़ एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल सपोज ये है ग्राउंड फ्लोर इसके ऊपर है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ठीक है आप है लिफ्ट के अंदर लिफ्ट में है नहीं है इमेजिन कर लीजिए ये लिफ्ट है ठीक है अब ये जो लिफ्ट है इसके अंदर जो सिस्टम है वो कैसे सेट होगा जीरो ग्राउंड फ्लोर को कई बार जी भी लिखा होता है जीरो भी वो देख लीजिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब कि इन शॉर्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही करी हूं, वो ये होगा ना कुछ ऐसा सा सीक्वेंस होगा पहले ग्राउंड फ्लोर है ठीक है फिर फर्स्ट फ्लोर है फिर सेकेंड फ्लोर है फिर थर्ड फ्लोर है फिर फोर्थ फ्लोर है तो ऐसे जो फ्लोर्स की डिवीजन हुई है ना वो कैसे कैसे वन वन नंबर का गैप है ठीक है मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे ये बोला जाए कि आपको सेकेंड और फर्स्ट के बीच में कोई हाफ फ्लोर भी होगा वहाँ पर जाना है ऐसा लिफ्ट में आपको कोई सिस्टम नहीं मिलेगा मतलब कि क्या कहने की कोशिश मैं जो कर रही हूँ इसमें यह समझिए कि एक जो नंबर है जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मतलब कि मिनिमम जो आप उसको ले सकते हैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं तो वो ज़ीरो वन टू ऐसा नहीं है इसके बीच के और नंबर्स नहीं है हम जब स्केल uh, पढ़ते हैं तो उसमें वन पॉइंट करके भी पढ़ने लग जाते हैं बट अभी आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आपने एक लिमिट डिसाइड करी हुई है कि जीरो के बाद वन वन के बाद टू टू के बाद में थ्री इस तरीके से ठीक है आप में से बहुत लोग इसमें माइनस में भी चले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है जा सकते हैं बट जो नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर इस तरीके से नंबर आगे बढ़ता जाएगा ठीक है या फिर कोई चीज आप लेते हैं ठीक है लाइक दूध का एग्जाम्पल मैं देती हूं दूध का जो पैकेट आता है दूध की जो पैकेट जो होता है उसमें क्या होता है या तो हाफ लीटर है या कुछ लोग के जी भी बोलते हैं ठीक है हाफ है या फिर वन है या फिर टू है जहां तक मेरी नॉलेज है मैंने तो ये तीन देखे बाकी और हो तो पता नहीं ठीक है हाफ़ है और वन है और टू है अब किसी को अगर कम लेना है तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एक ग्लास की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पैकेट बनने लग जाएगा या फिर मतलब जो मिनिमम चीज़ है ना वो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी अब वो आपकी श्रद्धा और भक्ति पर डिपेंड करता है कि आपको उसको कम यूज़ करना है या ज़्यादा यूज़ करना है ठीक है सो so, ये क्या है एक मिनिमम नंबर है आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी एक बार बुक की लैंग्वेज में और बताती हूँ आपको कि जैसे आपको अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसे डिफाइन करना है द मिनिमम अमाउंट बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटम ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट ठीक है जो मैंने आपको एग्जांपल लिया जीरो वन टू मतलब कि एक जो मिनिमम अमाउंट आपको गिवन है आप उसमें कम ज़्यादा करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन जो फिक्सड हो गया है वो चीज़ फिक्स रहेगी कि मिनिमम इतना तो होगा ही होगा ठीक है तो फिजिकल क्वांटिटी जिस मिनिमम अमाउंट से चेंज कर सकती है वो उसका क्वांटम कहलाता है अब जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होता है इसको एक बार समझ लीजिए क्वांटाइजेशन में जो हमारे पास एल्जेब्रिक नंबर्स को लेते हैं उनका इंटीग्रल मल्टीपल होता है ठीक है यहां पे एक फॉर्मुला आता है क्यू इज इक्वल टू एन ई इसकी डेफिनेशन देखिए आप क्वांटाइजेशन की अब यहां पे है नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज दैट द टोटल चार्ज क्यू ठीक है टोटल चार्ज क्या है क्यू ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीगर्ल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ठीक है ये डेफिनेशन है अब इसको फॉर्मूले से समझिए q इज इक्वल टू एन ही आएगा हमारे पास ये टोटल चार्ज हो गया मतलब कि ये जो टोटल चार्ज आपको दे रखा है वो ये q हो गया ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीगर्ल मल्टीपल मतलब कि ये जो मल्टीपल होगी ये n जो है हमारे पास ये इंटीगल मल्टीपल है ऑफ अ बेसिक क्वांटम चार्ज ठीक है अब जो Q और E है ये दोनों किस में होंगे कूलम्स में क्योंकि ये चार्ज है और N जो है ये नंबर हो गया आपका ये इसमें वेरिएशन आएंगी ठीक है अब ये जो है जैसे क्वांटाइजेशन जो प्रोसेस है इसका अगर एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन आप मांगे तो हमें दो एक्सपेरिमेंट्स मिले हुए हैं इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव होती है कि ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है और वो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसलिस ठीक है फर्स्ट लॉ है पैराडिज लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस एंड सेकेंड वन इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ठीक है दो एक्सपेरिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉलिस वाला है एक तो पैराडिज लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस मैं कंप्लीटली नहीं लिख रही हूं आप इसको समझ लीजिएगा और एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो कि मिलीकन ने दिया था ठीक है अगर आप में से कोई बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि इसमें बिल्कुल चैप्टर में कुछ छोड़ना ही नहीं है बहुत ही ज्यादा डीप में जाना है और इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बोलना है तो आई uh, मीन I mean, नॉलेज में रखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा मैं आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स करवा दूंगी बाकी आपको सिलेबस में जितना ध्यान रखना है वो ये है कि अगर इसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है तो वो हमें इन दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिला है इलेक् लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिस एंड सेकेंड वन इज ऑय मिलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो अभी तक मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज करवाई हैं फर्स्ट है एडिटिविटी एंड सेकेंड वन इज क्वान्टजेशन फर्स्ट जो मैंने एडिटिविटी करवाई थी उसमें मैंने आपको एक फॉमुला बताया था क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू एंड क्यू एन और सेकेंड जो मैंने करवाया है क्यू इज इक्वल टू एन ई ये जो फॉर्मूला है कि चार्जेस को ऐसे एड कर देना ये कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं है तो आपको ये आराम से समझ में आ चुका होगा ये फॉर्मुला थोड़ा सा है क्यू इज इक्वल टू एन ई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करिए अभी इसके आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है ठीक है नाउ अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है मतलब कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ठीक है अब ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन इसमें जैसे Uh, मैंने अभी आपको इसमें जो ऑयल ड्रॉप और, और मिलिगन दो टाइप्स से एक्सपेरिमेंट्स बताए उसके बाद में आप ये डिफाइन कर देते हैं इसके अलावा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस में मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ऐसे ही जो ये कंजर्वेशन है इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं इस दो पॉइंट्स के बाद में आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ ये हमारे पास कुछ ऐसा सा होता है ठीक है सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझाती हूँ वो ये कि सपोज कोई भी मैटर है किसी भी रीजन में स्पेस में ठीक है तो हमने एक मैटर लिया उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो जो है कि आइसोलेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए थर्मोडाइनमिक्स अगर थोड़ा बहुत याद हो तो इसमें क्या होता ये है ये बाउंड्रीज होती हैं ठीक है ये जो बाउंड्रीज हैं इसमें जो मैटर है या फिर एनर्जी है जब वो ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है मतलब किसी भी वे में इसका एक्सचेंज नहीं हो रहा ठीक है किसका मैटर और एनर्जी का तो उस टाइम पे जो वो सिस्टम है तो इसका मतलब वो हमारे लिए आइसोलेटेड सिस्टम है ठीक है यहां पे कंजर्वेशन में दो दो पॉइंट्स आते हैं फर्स्ट है कि जो आइसोलेट सिस्टम है उसमें मैटर या एनर्जी ना वो एक्सचेंज होती है मतलब कि ना बाहर आ सकती है ना अंदर आ सकती है जैसे हमारे पास सिस्टम है ये इसकी सिस्टम की बाउंड्रीज है इस बाउंड्री से ना एनर्जी या मैटर को बाहर किया जा सकता है और ना ही अन, आ, मतलब अंदर किया जा सकता है ना बाहर किया जा सकता है मतलब कि कोई भी किसी भी टाइप का चेंज ना आए तो वो आपका आइसोलेट सिस्टम है ये इसका फर्स्ट पॉइंट है सेकंड जो पॉइंट है उसमें ये है कि जो चार्ज है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक है कंजर्वेशन में हमारे पास ये दो टॉपिक्स आते हैं फर्स्ट है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया रिमेंस कॉन्स्टेंट सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड दे कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ना इसे क्रिएट किया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जस्ट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अभी तक मैंने आपको चार्ज क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ प्लस इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की डेफिनेशन उसके अलावा टाइप्स ऑफ चार्जेस के दो एक्सपेरिमेंट लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिस और सॉरी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स और पोलॉरिटी ऑफ चार्जेस एंड प्लस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस करवाया है आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सो so, ये जो है क्यू इज इक्वल टू एन ई ये हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है जिसमें क्यू और ई e कूलम्स में है और एन आपका इंटीगल मल्टीपल होता है ये आपका फॉर्मूला ऑफ द डे है क्यू इज इक्वल टू एन ही इसके ऊपर नोमेरिकल्स आएंगे एंड uh, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच और uh, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच